ये जो जलजमाव की स्थिति बन रही है, इसी की वजह से दिल्ली गाजियाबाद के बीच जो NH24 है वहां पर तो कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, कई गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं गाड़ियां। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। महज आधे घंटे की बारिश और दिल्ली NCR में जाम की समस्या खड़ी हो गई है। उदाहरण के लिए इस वक्त आप देख रहे होंगे कैमरे के जरिए NH24 की ये तस्वीर, जहां पर गाड़ी फंस गई है और जिस कारण जो है वो ये जल ठहराव, जल जमाव जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1 किलोमीटर तक लंबा जाम है, क्योंकि दिल्ली NCR में पिछले आधे घंटे से बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से ये वो पुल है जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था, लंबी चौड़ी पुल, लेकिन इस वक्त बारिश, आधे घंटे की बारिश और उस वजह से ये जल ठहराव। हमारे साथ इस वक्त ट्रक ड्राइवर है, आपका नाम? मिस्टर मनोज कुमार। किधर से आ रहे हैं आप? निजामुद्दीन से आ रहे हैं मैम। गाड़ी फंस गई आप? हाँ जी, गाड़ी फंस गई है, 1 घंटे से फंसी पड़ी है जाम के अंदर, पूरा पानी भरा पड़ा है इसके अंदर, ना निकलने का रास्ता है ना कहीं जाने का रास्ता है, हम कम से आधे घंटे से ऊपर जाम में फंसे पड़े हैं इस चक्कर में। आपका नाम? मेरा नाम पुनीत कुमार। आपकी गाड़ी खराब हो गई है? मेरी गाड़ी, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, इधर का पानी सारा इधर आ रहा है, इधर से कहीं निकलने का कोई निकास नहीं है, ठीक है। मेरी गाड़ी डीजल की है बट वो भी बंद हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ हाईवे का। आपका नाम मैं जानना चाहूंगी, किधर से आ रहे हैं आप? एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्लिम खान है, मैं काले खां से आ रहा हूँ। और मैडम पूरे बारिश में मेरी गाड़ी भी बंद हो गई और ये हालत है कि मैंने पूरे ब्लॉक हो रखा पूरे रास्ता, पानी का भाई कम से कम 2 फुट तक पानी है, ज्यादा ही होगा क्योंकि बड़े बड़े ये गाड़ी बेगनाड़ी इसके पीछे दबा पड़ा हुआ। ये बिल्कुल नई सड़क है? नहीं, नई सड़क है पर इसका पानी का निकास नहीं है ना मैम, पानी का निकास होता तो फिर इतना जाम नहीं लगता इसमें, क्योंकि इसे ना ढलान अलग दे रखा है इसका। देखिए निकासी, यहाँ पर जल निकासी की समस्या है जिस वजह से ये गंभीर स्थिति यहाँ बनी हुई है, लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली NCR में बारिश हो रही है और लोगों को एक तरफ जहाँ राहत दे रही है क्योंकि बारिश होने की वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ जल जमाव की जो समस्या है वो दिल्ली NCR में रह रहे लोगों के लिए लगातार एक बड़ी और गंभीर समस्या बनती जा रही है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ निधिश्री, ABP न्यूज दिल्ली। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।